वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिल रही है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको एक से लेकर 25 प्रश्न तक का प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन दिया था, और इस प्रश्न में हम दोस्तों आपको 26 से लेकर कम से कम 65 तक, यानी कि कम से कम 40 क्वेश्चन आज देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला हमारा प्रश्न है कि आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो ग्रेगर जो मेंडल हैं इन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 27वां, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वहाँ पर दिए गए हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर दिए गए हैं तो इसका सही से मिलान करना है, यानी कि क्या दिया हुआ है, राज्य दिए हुए हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर दिया है, तो हमें इसका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। बात करें कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो कर्नाटक में जो हमारा स्थित है वो है कैगा। कैगा हमारा जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है, तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कोडनकुलम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो नरोरा है, यानी कि जो बुलंदशहर में स्थित है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात में काकरपारा है जो कि सूरत में है। तो इसका सही ये क्रम हो जाएगा, कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में कोडनकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोरा और गुजरात में काकरपारा। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का दूसरा, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का पहला और डी का तीसरा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए सारे ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यह एक स्थायी संस्था है, तो एकदम सही है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये लाइन गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करें कि राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था, तो राज्यसभा का गठन सबसे पहले हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का कब गठन हुआ था, 3 अप्रैल 1952 में, 1958 में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभ से मिलान करना है, यानी कि बीमारियाँ दिए हुए हैं और उनका टेस्ट दिया हुआ है, तो हमें मिलान करना है। बात करें कि विडाल टेस्ट की, तो हमें सही से क्रम का मिलान करना है, दिया हुआ बीमारियां दी हैं। तो जो विडाल टेस्ट होता है किस बीमारी में होता है, विडाल टेस्ट यानी कि ये टाइफाइड में विडाल टेस्ट करवाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये विडाल टेस्ट टाइफाइड में होता है। बात करें डिक टेस्ट की, तो डिक टेस्ट जो होता है वो लोहित ज्वर, यानी कि ये होता है स्कारलेट फीवर, जो ऑप्शन नंबर बी दूसरा है, इसका क्या हो जाएगा, स्कारलेट फीवर, जिसे हम कहते हैं लोहित ज्वर। बात करें कि टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है, तो टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है वो डेंगू बुखार के लिए होता है, तो इसका ये हो जाएगा। बात करें कि आरएनए फैक्टर की, तो आरएनए फैक्टर जो होता है वो गठिया का टेस्ट होता है, आरएनए फैक्टर। और बात करें कि एलिजा टेस्ट, तो एलिजा टेस्ट जो होता है वो एड्स में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो सारी जानकारी हो मिल जाती है, तो अगर आप सही ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का डी, और देखिए ए का 3 हो जाएगा, बी का 5, सी का 2, डी का 1 और ई का 4। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है। तो हाल ही में जो ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका जो प्रमुख कारण है वो है जीका वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए जीका वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन हैं, यानी कि ये क्या हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये मेक्सिको की नशीली दवाओं के तस्कर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको की नशीली दवाओं के तस्कर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा काफ़ी हार्ड लेवल का होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि कुछ अलग तरीके के होंगे। 32वां प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन से किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कार की बैटरी होती है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 का इस्तेमाल होता है कार की बैटरी में, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे।
तैतीसवां प्रश्न जो है कि नीति आयोग के गठित 2015 में कौन अध्यक्ष थे, तो अरविंद पनगड़िया 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। बात करिए वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। कौन है, आपको नाम याद रखना है, राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। और अमिताभ कांत जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला था, सही देश चुनना, यानी कि भारतीयों को तथा अन्य देश से को एक से निकाला था, यानी किस देश से निकाला था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यमन से। जो ऑपरेशन राहत चलाया गया था तो यमन से भारतीयों को, जी हाँ, भारतीयों तथा यमन के लोगों को निकाला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न, बोको हरम क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोको हरम है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो जैसा कि आपको पता होगा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी और सबसे पहले यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन CV रमन को दिया गया था। दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है, तो सबसे पहले जो मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो भारत रत्न मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया था 1966 में, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न है, गाय की गर्भावधि क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 274 से 280 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है, बल्कि इसका जो उद्गम होता है वह तिब्बत के राकस ताल झील से होता है, तिब्बत के राकस ताल झील से उद्गम होता है सतलज नदी का, बाकी रावी ब्यास और चिनाब इन सबका उद्गम भारत में ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आइए देखते हैं। 39वां प्रश्न हमारा है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, गलत है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है, इसका केवल परामर्श संबंधी अधिकार है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही, इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधी सभी अधिकार जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं। बात करें कि वर्तमान यहाँ के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, तो वर्तमान में जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और बात करें कि कौन से क्रम के हैं, तो ये हैं 47वें नंबर के चीफ जस्टिस, तो इनका नाम याद रखना है, करंट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ऐसे। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है हाल ही में, तो जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई ये तमिलनाडु राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, यानी कि कौन सी नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा तथा सोन नदियाँ जो हैं वो अमरकंटक से निकलती हैं, जो कि अमरकंटक कहाँ पर है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, तो नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक से निकलती हैं। 42वां प्रश्न है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पुष्कर है यहाँ पर ब्रह्मा, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, और था यह अपने पशुओं के मेले के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए पुष्कर सही हो जाएगा। बात करें कि सोनपुर, तो सोनपुर का जो पशु मेला है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। 43वां प्रश्न है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। 44वां प्रश्न है, उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया था, यानी कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस मामले के बारे में कहा था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेनका गांधी जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, तो 45वां प्रश्न दिया हुआ है, युद्ध क्षेत्र युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि
युद्धग्रस्त क्षेत्रों में से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए जो हीरे बेचे जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड डायमंड, यानी कि इन्हें क्या बोला जाता है, ब्लड डायमंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न देखते हैं, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी कहाँ के राज्यपाल हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जब ये पेपर बनाया गया था तो एन एन वोहरा जो थे वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर और असम के राज्यपाल थे। लेकिन दोस्तों ये जो पेपर है इसमें 2015 के अनुसार आंसर दिया हुआ है, तो आपको उस समय 2015 में एन एन वोहरा वहाँ के राज्यपाल थे। लेकिन अगर वर्तमान बात करें तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान जो उपराज्यपाल है, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधाकृष्ण माथुर, और असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। तो आपको ये उस टाइम का याद नहीं रखना, आपको इसे 2020 के अकॉर्डिंग याद रखना होगा। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर और असम के राज्यपाल कौन है, हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? 47वां प्रश्न है, तो शराबबंदी जो है संविधान की धारा 47 में निर्देशित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जो बिहार है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की जा चुकी है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की जा चुकी है। 48वां प्रश्न है, फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है 2018 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2018 का जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है वो रूस में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रूस में आयोजित किया गया था। लेकिन बात करें कि जो आगामी फीफा जो विश्व कप 2022 में होने वाला है, आगामी फीफा विश्व कप कब होगा, 2022 में, और ये कब आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो अगला जो विश्व कप होना है वो कतर में होना है। तो ऑप्शन नंबर ए कतर में होगा 2022 का, और 2018 का जो हुआ था वो रूस में हुआ था, और इसे किसने जीता था, तो फ्रांस ने जीता था। 2018 का जो फीफा विश्व कप था, फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर फीफा विश्व कप 2018 का खिताब जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के लिए क्या कारण होते हैं? दुधारू पशु में जो कैल्शियम की कमी का कारण होता है वो क्या होता है, मिल्क फीवर, ऑप्शन नंबर ए मिल्क फीवर कारण दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवल के लेखक कौन थे? तो द ओल्ड मैन एंड द सी के जो लेखक थे तो उनका नाम था अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो जो अनुच्छेद होता है 356, ये इसमें राष्ट्रपति शासन का जो है प्रावधान दिया गया, यानी कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है अनुच्छेद 356 के अनुसार। बात करें कि 352 में क्या होता है, तो आपको तीनों याद रखना है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राष्ट्रपति शासन, और जो 360 होता है इसमें वित्तीय आपातकाल होता है। बात करें कि वित्तीय आपातकाल तो भारत में कभी नहीं लगाया गया है, नेशनल इमरजेंसी भारत में कुल 3 बार लगाई जा चुकी है, और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 12 बार और बिहार में, दोस्तों उत्तर प्रदेश में 12 बार और बिहार में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जेनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो बीटी कॉटन है इसे भारत में व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिए जाते हैं। कहाँ पर, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में, बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी पंडित मदन मोहन मालवीय। अगर आप कभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए होंगे तो वहाँ पर आपने मालवीय जी की मूर्ति जरूर देखी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 55वां हमारा प्रश्न है, तो 55वां हमारा प्रश्न निम्नलिखित दो कॉलमों को सही मिलान करना है, तो आइए देखते हैं सही मिलान करना है। दिया है बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में स्थित है। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा फोर्थ, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। बात करें कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि माउंट आबू जो हमारा कहाँ पर है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारा है राजस्थान में, माउंट आबू
वाइल्ड लाइफ जो है वो राजस्थान के अरावली श्रेणी में है। बात करें कि पेंच नेशनल पार्क की तो ये है मध्य प्रदेश में, और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो है पश्चिम बंगाल में। तो आइए फिर से देख लेते हैं, बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में स्थित है, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ जो है वो राजस्थान में स्थित है, और पेंच नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि इतने हमारे जो नेशनल पार्क थे 55वां प्रश्न ये हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का 4, सेकेंड का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं, 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो गंगा डॉल्फिन है इसे भारत का जलीय प्राणी घोषित किया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी गंगा डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो आइए देखते हैं, तो जो खाद्य उत्पादन होता है वो हमारा हरित क्रांति से संबंधित है। और बात करें हरित क्रांति कब शुरू हुआ था, तो भारत में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं M.S. स्वामीनाथन। बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति के भारत में जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। आपको नाम याद रखना है, हरित क्रांति, M.S. स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन। बात करें कि मत्स्य उत्पादन कैसे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, मत्स्य पालन नीली क्रांति संबंधित है, और उर्वरक जो है वो भूरी क्रांति संबंधित है। तो आपको चारों पॉइंट यहाँ से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरा सूचकांक विकसित किया गया है क्या करने के लिए। तो जो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो हरा सूचकांक जो है वह विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है हरा सूचकांक। बात करें कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम गिबेरियस। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। 59वां प्रश्न है, तो किस में से की गई थी मूलभूत धारणा, इंदिरा साहनी का वाद, जी नहीं, SR बोमाई का वाद, एकदम नहीं, रुद्र शाह का वाद, बिल्कुल नहीं। दोस्तों जो केशवानंद भारती वाद है उसमें जो मूलभूत अवधारणा थी उसका किया गया था केशवानंद भारती मामले में, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। 60वां प्रश्न है, तो ऑप्शन दिया है शरद चंद्र बोस, KM मुंशी, और इसके अलावा बाकी अगर ऑप्शन देखें तो रफ़ी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव, तो ऑप्शन नंबर डी बेनेगल नरसिंह राव 60वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। 1976 में किसने नागरिकों के मूल कर्तव्यों की को सम्मिलित करने की अनुशंसा दी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण सिंह समिति की जो रिकमेंडेशन पर 1976 में मूल अधिकार जो है वो जोड़े गए थे। तो मूल अधिकार जो पार्ट 4 में जोड़े गए थे, अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे मूल अधिकार। तो आपको याद रखना है कि पार्ट 4 आर्टिकल 51A में जो है मूल अधिकार जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, यानी कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्याग पत्र देते हैं तो किसे देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखकर अपना त्यागपत्र देते हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखकर अपना त्यागपत्र देता है। 63वां प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है कैसे। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि वह कोई भी देखिए क्या लिखा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा एकदम नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, जी हाँ, मुख्य उपायुक्त में से किसी भी विधि द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं, और टाइगर वुड जो है वो गोल्फ के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गोल्फ सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने आपको सामान्य विज्ञान के काफ़ी प्रश्न बता दिए, जो अगला वीडियो हम आपको देंगे उसमें हम GS यानी कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको सामान्य विज्ञान के वीडियो जो क्वेश्चन थे सामान्य विज्ञान का जो पार्ट है वो प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो जो दोस्तों पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।